किसानों के लिए खुशखबरी, अब उन्हें मंडियों की सुविधा मिलेगी अधिक। दरअसल सरकार को दी गई एक सिफारिश अगर मान ली जाती है तो रजिस्टर्ड गोदाम भी मंडी का दर्जा ले लेंगे। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद मिलेगी। दरअसल सिराज हुसैन पैनल ने एक सिफारिश में कहा है कि अगर कोई गोदाम एपीएमसी शर्तों को पूरा करता है तो उसे मंडी का दर्जा दिया जा सकता है। सिराज हुसैन पैनल को कृषि मंत्रालय ने बनाया है, जो कि एक एक्सपर्ट कमेटी है। इस कमेटी ने गोदाम को मंडी का दर्जा देने की सिफारिश की है। कमेटी में कहा गया है कि गोदामों, साइलों और कोल्ड स्टोरेज को डीम्ड मार्केट यार्ड का दर्जा दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को का खर्च बचेगा और मंडी का दर्जा देने से किसानों को अधिक दूर तक उपज ले जाने के नुकसान, उपज की बर्बादी और औने पौने दाम में उपज की बिक्री जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं पैनल में ये भी कहा गया है कि देश के अधिकांश राज्यों ने इस नियम को एपीएमसी एक्ट में शामिल किया है, लेकिन मंडी यार्ड को स्टोरेज फैसिलिटी बनाने का नियम किसी राज्य ने फिलहाल लागू नहीं किया है। पैनल ने कहा है कि सिर्फ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और यूपी ही ऐसे राज्य हैं जहां यह नियम अधिसूचित किया गया है। अब तक 5634 गोदाम WDRA के साथ रजिस्टर्ड है। वहीं देश में 0.1 मिलियन कृषि गोदामों में से 40,000 निजी तौर पर रखे गए हैं। इससे पहले भी सरकार ने एक और नया नियम बनाया था। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि किसान गोदामों में रखे अनाज पर भी लोन ले सकते हैं। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड गोदामों में रखे अपने अनाजों पर किसान लोन ले सकेंगे। किसानों को बिना कुछ गिरवी रखे 7% की ब्याज पर आसानी से लोन मिल सकेगा। साथ ही वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात की भी जानकारी दी कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े बैंक किसानों को ब्याज दर और रकम चुनने का विकल्प भी उपलब्ध कराएंगे। आपको बता दें कि अभी देश भर में WDRA के पास करीब 5500 गोदाम रजिस्टर्ड हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।